पहला प्रायोरिटी जो हमने रखा था वो था टू सेव प्रशर्स ह्यूमन लाइफ तो हमने जहाँ भी पांच किलोमीटर से दूर कोस्ट लाइन से लोगों को एवैक्यूएट किया था और 36 सिक्स आवर्स में हमने करीबन 9 लाख लोगों को एवैक्यूएट किया था ये तो सबसे भारी एवैक्यूएशन ऑपरेशन कभी भी हमारे देश में नहीं हुए ना हुआ था ये सबसे पहले दफे हुआ है ये आवाज है सन 2000 यानी पिछले 18 सालों से उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद पर आसीन नवीन पटनायक की भारतीय राजनीति में इस समय सिर्फ सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग अकेले राजनेता हैं जो नवीन पटनायक से अधिक समय तक इस पद पर बने रहे हैं नवीन के बारे में मशहूर है कि वो शायद भारत के सबसे चुप रहने वाले राजनेता हैं जिन्हें शायद ही किसी ने अपनी आवाज ऊंची कर बात करते सुना है हाल ही में नवीन पटनायक की जीवनी लिखने वाले अंग्रेजी आउटलुक के संपादक रूबेन बैनर्जी बताते हैं आप उससे मिलेंगे तो बहुत बोलोकन गर्टियस वेरी सिविल थोड़ा बहुत बात करते हैं डेकोरम मेंटेन करके चलता है तो उसको आपको लगेगा नहीं वो पॉलिटिशियन है बट ये भी सच है ही पॉलिटिशियन रूथलेस पॉलिटिशियन इतना रूथलेस इतना पॉलिटिक्स उसको मालूम है तो जींस में मिला मेरे को पता नहीं नवीन पटनायक को राजनीति विरासत में मिली थी उनके पिता बीजू पटनायक न सिर्फ उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे बल्कि जाने माने स्वतंत्रता सेनानी और पायलट भी थे दूसरे विश्व युद्ध इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम और उन्नीस में कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण के समय उनकी जबरदस्त भूमिका थी बीजू पटनायक के जीवनीकार सुंदर गणेशन अपनी किताब द टॉल मैन में लिखते हैं बीजू पटनायक ने दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे से श्रीनगर के लिए अपने डकोटा डीसी थ्री विमान से कई उड़ानें भरी सत्ताईस अक्टूबर उन्नीस को वो लेफ्टिनेंट कर्नल देवान रंजीत राय के नेतृत्व में वन सिख रेजिमेंट के सत्रह सैनिकों को लेकर श्रीनगर पहुंचे उन्होंने यह देखने के लिए कि हवाई पट्टी पर पाकिस्तानी सैनिकों का कब्जा तो नहीं हो गया है दो बार बहुत नीचे उड़ान भरी प्रधानमंत्री नेहरू की तरफ से उन्हें साफ निर्देश थे कि अगर उन्हें ये लगे कि हवाई पट्टी पर पाकिस्तान का नियंत्रण हो गया है तो वो अपने विमान को वहां ना उतारें बीजू पटनायक ने विमान को लगभग जमीन से कुछ मीटर ऊपर उड़ाते हुए देखा कि विमान पट्टी पर एक भी शख्स मौजूद नहीं था उन्होंने अपने विमान को नीचे उतारा और वहां पहुंचे सत्रह सैनिकों ने पाकिस्तानी हमलावरों को खदेड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई जब बीजू पटनायक का देहांत हुआ तो उनके ताबूत पर तीन देशों के झंडे लिपटे हुए थे भारत रूस और इंडोनेशिया अपने पिता की मौत के बाद नवीन पटनायक ने जब उड़ीसा में अपना पहला भाषण दिया तो वो हिंदी में था क्योंकि नवीन को उड़िया आती ही नहीं थी क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब चले गए, नवीन, आया। नवीन को तो उड़िया मालूम नहीं था वो तो बाहर में ही रह रहा था उसी 2000 में जब असेंबली इलेक्शन हो रहा था उड़ीसा और नवीन पटनायक उसका बीजू जनता पार्टी को दल को लीड कर रहे थे as उसका एक एडवांटेज हुआ था उड़िया उसी टाइम में भी बोल नहीं सकता था बट लोगों ने उसको एम्ब्रेस कर लिया क्यों ना पॉलिटिकल क्लास जनरली उड़ीसा में इतना डिस्क्रेडिटेड था द फैक्ट नवीन उड़िया बोल नहीं सकता था लोगों के पास वो अच्छा लगा बोले अरे ये तो और कोई दूसरा पॉलिटिशियन के जैसा नहीं है ये तो अलग का आदमी जैसा है तो उसका एडवांटेज में गया वो उड़िया अभी भी, भी नहीं बोल सकता है अच्छा से ठीक से बट उसका एक कनेक्ट लोगों के साथ एस्टेब्लिश कर लिया वो बात करे ना करे उड़िया में बात करे इंग्लिश में बात करे मेरे को लगता नहीं है अभी नवीन पटनायक को कोई फर्क पड़ता है वो फ्रेंच में भी बात करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बीजू पटनायक के रहते रहते नवीन पटनायक का राजनीति से कोई वास्ता नहीं था वो दिल्ली में रहते थे और यहाँ के पार्टी सर्किट में उनकी अच्छी पहुंच हुआ करती थी वो सोशलाइट थे बीजू बाबू का लड़का थे दिल्ली में रहते थे डून स्कूल में पढ़ाई किया संजय गांधी का क्लासमेट था उसका आर्ट और कल्चर में सभी टाइम में उसका बहुत इंटरेस्ट रहा है तो ओवरऑल में साइकेडली बोल के एक बुटीक चला रहे थे नवीन ने मेरे को ही बताया दैट बीटल्स उसका कस्टमर क्लाइंट्स थे इनके साथ केनेडी ओनेसिस का बहुत दोस्ती था तो इनफैक्ट नवीन पटनायक तीन किताब लिखा है वो कॉफिटेबल बुक्स है वो लिखा नहीं वो कलेक्शन है फोटोज है ज़्यादा उसका घर में सब लोग आते थे जाते थे खाना खाते थे पार्टी होता था सब कुछ होता था तो आईवरी मर्चेंट का जब डिसीवर फिल्म हुआ है तो सायद जाफरी और प्रश्न तो नवीन पटनायक एक छोटा सा कैमियो रोल किया मशहूर पत्रकार तबलीन सिंह ने अपनी बहुचर्चित किताब दरबार में 1975 की दिल्ली की राजनीतिक गतिविधियों का बहुत सचीव चित्रण खींचा है तवलीन सिंह लिखती हैं कि किस तरह वो नवीन पटनायक के साथ एक पार्टी में गई थीं जहां उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हुई थी आपातकाल की घोषणा के कुछ दिन बाद मार्टिन सिंह ने मुझे और नवीन पटनायक को खाने पर बुलाया हम दोनों अपने ड्रिंक्स लेकर उनकी बैठक के एक कोने में बैठे हुए थे अचानक हमने देखा कि सामने के दरवाजे से राजीव गांधी और सोनिया गांधी अंदर आ रहे हैं राजीव ने सफेद रंग का कलफ लगा कुर्ता पायजामा पहन रखा था जबकि सोनिया ने एक सफेद ड्रेस पहन रखी थी जो उनके टखनों तक आ रही थी नवीन ने मुझसे कहा कि वो उन दोनों के पास नहीं जाएंगे क्योंकि शायद उन्हें मुझसे मिलना अटपटा लगे क्योंकि कुछ ही दिन पहले राजीव की मां इंदिरा गांधी ने मेरे पिता बीजू पटनायक को जेल में डाल दिया था तभी मारतंड की भाभी नीना हमारे पास आकर बोली कि सोनिया गांधी पूछ रही हैं कि कोने में नवीन पटनायक तो नहीं खड़े हैं हम दोनों ने सोचा कि अब चूंकि हमें पहचान ही लिया गया है तो क्यों ना उनके पास चलकर उन्हें हेलो कह दिया जाए जब हम उनके पास पहुंचे तो नवीन ने सोनिया की सफेद फ्रॉक की तारीफ करते हुए कहा क्या इसे आपने वैलेंटिनो से खरीदा है सोनिया ने कहा नहीं इसे खान मार्केट में मेरे दर्जी ने सिला है मुख्यमंत्री बनने के बाद नवीन पटनायक ने उड़ीसा की राजनीति पर अपनी पकड़ तब मजबूत की जब उन्होंने पार्टी के नंबर दो बिजोय महापात्रा का टिकट काट दिया विजय महापात्र वॉज वन ऑफ द टॉलेस्ट रीजनल लीडर्स बिजू बाबू का मंत्री थे इरिगेशन मिनिस्टर था नंबर टू माना जाता था और बिजोए का एक था लाइक like, वो पॉपुलर लीडर नहीं था बट वो बैक रूम लीडर था लाइक like, उसको एम एल ये वो सब मालूम था भुवनेश्वर में एक मीटिंग बुलाया गया बीजू जनता दल नवीन पटनायक ये लोग मिलकर एक मीटिंग बुलाया और वही लास्ट डे था नॉमिनेशन फाइलिंग के लिए बीजा तो दिन पहले नॉमिनेशन फाइल कर चुका है आना रहा लगा। उसका उसके भी पत्रों का ने फोन करने लगा जी आपका तो नॉमिनेशन कैंसिल हो गया बोले किसे क्या नवीन ने क्या किया तो पहले दिन रात में और एक बंदा को भेज दिया पाटकुरा दो पेपर दिया एक बीजा महापत्रों का नॉमिनेशन कैंसिल का पेपर दिया और एक नया नॉमिनेशन के लिए आदमी का नॉमिनेशन फाइल करने के लिए तो दो ढाई बजे विजय महापत्रों को पास खबर आया जे उसका कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया और एक आदमी को कैंडिडेट बना दिया गया तो अभी साढ़े तीन चार बजे नॉमिनेशन खत्म हो जाता है तो वो तो पाटकुरा भुवनेश्वर से दो, दो तीन घंटा का डिस्टेंस है तो जा नहीं पाएगा कॉन्टेस्ट ही नहीं कर पाया तो ये तो पहला एग्जाम्पल था नवीन का रुतनेस श्रूड पॉलिटिकल ऑपरेशन कर मैं पहले से बोलता रहा हूँ जो हुआ विजय महापात्र के साथ ये बैकस्टेबिंग है ये तो इमोरल है विजय महापात्रा ही नहीं उन्होंने अपने बहुत नजदीकी आईएएस ऑफिसर प्यारी मोहन महापात्रा से जिस तरह किनारा किया उससे भी सब लोग हतप्रभ रह गए प्यारी बाबू वॉज अ वेरी एफिशियंट आई ऑफिसर तो उसको जान पहचान था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो एडवाइस करना शुरू किया पहले सात आठ साल सबको पता चला जे इधर में तो स्टेट तो नवीन नहीं चलाता है वो तो खाली मुखोटा है सुपर चीफ मिनिस्टर तो पैरीबाबू बाबू है और नवीन भी ऐसा ही इम्प्रेशन क्रिएट करके रखा जे ठीक है मैं कुछ जानता नहीं हूँ मैं इनोसेंट हूँ मेरे को कुछ भी पता नहीं है ये ही चला रहा है इम्प्रेशन क्रिएट हो गया जे पैरी इज यूजिंग नवीन मगर अभी आप सोचोगे तो हाइन में देखोगे नो इट वॉज नवीन हु वॉज यूजिंग पैरी बाबू का भी बहुत एम्बिशन था पॉलिटिकल एस्पिरेशन था पैरी बाबू अभी चले गए अभी जिंदा नहीं है बट पैरी बाबू से मैं मिला था ये सब होने के बाद तो पैरी बाबू बोला जब प्रॉब्लम शुरू हुआ है टू थाउजेंड में आई शायद दिल्ली आए थे नवीन तो गीता मेहता भी था पैरी बाबू को इनवाइट किए थे डिनर में तो नवीन का तबीयत ठीक नहीं चल रहा तो गीता मेहता इज़ वेरी कॉन्सन अबाउट नवीन एज अ एल्डर सिस्टर तो गीता मेहता वो डिनर पे पैरी पे बाबू को बोला नवीन भी था उधर जे इनका तो इतना प्रेशर आ रहा है आप क्यों नहीं डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन जाओ नवीन कुछ बोला नहीं बट डेरी बाबू मेरे को बोला जे ये तो उसको पसंद नहीं आया होगा मेरा अपना सिस्टर ऐसा सोचता है तो साढ़े चार करोड़ उड़िया भी ऐसा सोच सकेगा तो उसके लिए तो ये थ्रेट है तो उसके बाद रिलेशनशिप डिटोरेट होने लगा जब नवीन पटनायक उड़ीसा आए तो वहां उनके सिर्फ दो करीबी मित्र थे एयू सिंह देव और जय पंडा लेकिन इन दोनों के साथ भी उनकी दोस्ती अधिक दिनों तक नहीं चली और उन्हें भी पार्टी से जाना पड़ा जय पंडा बताते हैं पहले से ही थोड़ा इंट्रोवर्ट थे ज्यादा बोलते नहीं थे लेकिन प्राइवेटली जब हम डिनर पे बैठे दो चार दोस्तों के साथ तो वो बहुत अच्छी तरह से बात करते थे और इंट्रोवर्ट नहीं थे इतना शाए नहीं थे प्राइवेट में वो जब पॉलिटिक्स में शामिल हो गए 1997 से 2013-14 तक वो एक अलग किस्म के पॉलिटिक्स किए थे और 2014 से कोई एक अलग किस्म का हो गया पहले 10-12 साल वो जिस तरह के पॉलिटिक्स कर रहे थे आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम वो बिल्कुल प्रिंसिपल्स पर पॉलिटिक्स करते थे वो टिपिकल पॉलिटिक्स को डिफाई करते थे वो बिल्कुल भ्रष्टाचार के विरोध बहुत सख्त कदम उठाए थे जो कि हम बहुत लोग सोच रहे थे कि ये पॉलिटिकली सस्टेन नहीं कर पाएंगे लेकिन वो वो प्रिंसिपल्स पर कर रहे थे लेकिन दूसरा टर्म खत्म होने के बाद तीसरा टर्म में से कुछ थोड़ा परिवर्तन होना लगा मेरे ख्याल में कोई नए लोग आके उनको घेर गए और ये चौथा टर्म जब से शुरू हुआ मेरे ख्याल में ये उनका थोड़ा वो हैंड्स ऑफ बिल्कुल हो गए हैं मैंने जय पंडा से पूछा कि आप शायद नवीन पटनायक के सबसे करीबी दोस्त थे क्या वजह थी कि आप दोनों के बीच दूरी बढ़ती चली गई शुरू से कई लोग कोशिश करते रहते थे गलत फहमी मेरे बारे में उनके मन में लाने के लिए लेकिन हम उसके बारे बात करते थे और हंसते थे हम नॉर्मली हफ्ते को तीन चार बार डिनर पे मिलते थे नवीन बाबू और मैं लेकिन जब 2014 के बाद जो मैं आपको बोल रहा हूँ कोई नए कोटरी उनके बन गए नए आदमी आके उनको घेर गए जो मेरे खिलाफ ऐसे फॉल्स प्रोपागेंडा करने लगे मैं देखा कि मैं जब जाके उनसे बात ना लगा जो पहले से जैसे हम उसको बिल्कुल क्लैरिटी से उसको उड़ा देते थे वो नहीं हो रहा था और मैं तीन चार पांच बार बैठ के कोशिश किया उनको कि कि कोशिश कर रहा हूँ कुछ ग्रैब करने के लिए पावर ये गलत है लेकिन पहले जैसे मेरे ख्याल में वो उसको ग्रहण नहीं किए असका लोकसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़े नवीन पटनायक अपनी छवि को लेकर बहुत संवेदनशील रहे हैं वो नहीं चाहते थे कि लोगों को ये पता लगे कि वो चेन स्मोकर हैं और अपने चुनाव प्रचार के दौरान ओबरॉय के एक पांच सितारा होटल में ठहरे हुए हैं उनके एक और दोस्त मशहूर पत्रकार वीर सांगवी ने हिंदुस्तान टाइम्स में उनके बारे में लिखा था पप्पू को सांसारिक चीजों से कोई मोह नहीं था वो सही पते पर रहते थे उनके दो नौकर कार और एक ड्राइवर हुआ करता था क्योंकि उन्हें कार चलानी नहीं आती थी वो कभी भी नामी रेस्तरा में खाना नहीं खाते थे उनके घर आने वाले मेहमान चाहे वो कितने ही बड़े क्यों न हों, उनके रसोइये मनोज का ही बना खाना खाते थे एक बार जब वो थोड़ा नशे में थे मैंने उनसे पूछा कि आपकी सादगी की वजह क्या है

रिच स्टेट हो गया वो भी नहीं है थोड़ा बहुत काम हुआ है पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम में अच्छे काम किया है ये लोग सेवेंटी फाइव लैक पीपल द पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन विच इज ह्यूज नवीन पटनायक ओडिशा का पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक सिविलिटी लेके आया उसका इमेज अच्छा है और शायद ही इज वेरी ऑनेस्ट बट अदरवाइज जनरली स्टेट प्रोग्रेस किया नो no. बट उसका और एक एडवांटेज है ही कैन बी क्रिटिसाइज फॉर दैट ही हैज स्कॉन्डर्ड पब्लिक मनी बट वो स्कीम बहुत चलाता है एक रुपया में चावल फ्री बाईसाइकिल आप जो भी सामान मांगोगे वो फ्री में मिल जाएगा आपको ये नवीन पटनायक भी शुरू कर दिया आहार मिल मैं उधर में जाके खाया हूँ एक आहार कैंटीन में अच्छा खाना है पाँच रुपया में आपको चावल डालमा मिलता है वेरी गुड एक्सीलेंट आप बोलोगे ये पैसा बर्बाद हो रहा है कोई तो इन्वेस्टमेंट नहीं है बट लोगों तो खुश है एक जमाने में कम से कम उड़ीसा की राजनीति में नवीन पटनायक का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था लेकिन अब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके एक प्रतिद्वंदी के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कितने कारगर होंगे वो नवीन पटनायक का इमेज जो क्रेडिबिलिटी वो मैच करना डिफिकल्ट है बट धर्मेंद्र प्रधान का ये एडवांटेज है आफ्टर बीजू पटनायक आई थिंक ही इज द सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल सेंट्रल लेवल मिनिस्टर फॉर उड़ीसा और अभी नवीन का एंटी इनकम्बेंसी भी है और जितना दिन जा रहा है तो आई थिंक ही थोड़ा थोड़ा तो कंट्रोल तो भी लगता है लाइक like, उतना ज्यादा पकड़ नहीं है तो मेरे को लगता है किधर न किधर ये गवर्नमेंट आईधर एरोगेंट हो गए और दे एव बिकम इनडिफरेंट रेहान बीबीसी दिल्ली